जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम मुगल काल के सभी बादशाहों को कि कौन सा बादशाह है, किसने सबसे ज्यादा काल किया था, अपने शासन में किसने सबसे ज्यादा समय तक काल किया था, किसने सबसे कम समय तक काल किया था, कौन सा महान था और किसके बाद में कौन बैठा हुआ था अपनी गद्दी पर। तो हम सभी बादशाहों को देखेंगे यहाँ पे। तो सर्प जो कौन सा पहला बादशाह था, कौन था, कौन सा अंतिम था, तो हम सभी बादशाहों को देखेंगे यहाँ पे। तो मुगल काल के बादशाहों को देखेंगे हम, जितने भी बादशाह होंगे सभी बादशाहों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो सर्वप्रथम मुगल जो मुगल काल का जो जिसने नींव रखी थी तो वो कौन सा था, बाबर था। कौन सा, बाबर होगा। बाबर ने अपने समय में कितने समय तक शासन किया था, तो इसने 1526 से 1530 तक, यानी कुल मिलाकर के 4 वर्ष इसने काल किया था। 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया था। इसके बाद में हुमायूं का जो पुत्र था वो था, सॉरी बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से 1556 ईस्वी तक काल किया था। बाबर के 3 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, 4 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। तो हुमायूं, इसके बाद में बाबर के बाद में कौन बैठा था, हुमायूं। तो हुमायूं ने 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद में देखते हैं अकबर। हुमायूं के लड़के का नाम था अकबर। अकबर कब से कब तक, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था इसने गद्दी पर। इसके बाद में देखते हैं हम अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक अपने जीवन में उसने शासन किया था। इसके बाद में देखते हैं शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक काल किया था। इसके बाद में औरंगजेब आया। औरंगजेब के बाद 1658 से 1707 ईस्वी तक किसने शासन किया था, औरंगजेब ने शासन किया। इसके बाद में बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद देखते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह ने 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया था। अब जब हम सभी शासकों को पढ़ेंगे इसके बाद में देखेंगे कि ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय होते क्या है, हैं क्या ये बहादुर शाह प्रथम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहादुर शाह प्रथम लिखा है। तो जब हम सभी बादशाहों को पढ़ेंगे आगे और देखेंगे तो इसके बाद में बताएंगे हम कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता क्या है। तो जो जहांदार शाह है, जहांदार शाह ने 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया था। इतने सभी बादशाह मुझे आशा है कि सबको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में और आगे बादशाहों को देखते हैं। अब देखते हैं हम इनको, देख लेते हैं जो अभी बादशाह देखे, इसके बाद में हम बहादुर शाह के बाद अब देखते हैं इसको। फर्रुखसियर कौन सा है, अगला बादशाह जो होगा वो फर्रुखसियर होगा। फर्रुखसियर ने 1713 से 1719 तक शासन किया था। किसने, फर्रुखसियर ने, मोहम्मद शाह लंगीला। इसके बाद में फर्रुखसियर के बाद कौन आया था, मोहम्मद शाह लंगीला, जो कि 1719 से 1748 तक इसने शासन किया था अपने पद पर। इसी मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में जो मयूर सिंहासन था, जिसे हम तख्ते ताऊत कहते थे, जिसमें क्या जड़ा हुआ था, कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, जो ईरान इसी के शासन काल में चला गया था इंग्लैंड। तो 1719 से 1748 तक किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने शासन किया था। इसके मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह प्रथम आया था, जो कि 1748 से 1754 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय ने, तो 1754 से 1759 ईस्वी तक, सभी में एडी यानी ईस्वी लगा हुआ है। इसके बाद में शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया था।
शाह आलम द्वितीय ने कब से कब तक, 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसके बाद में बहादुर शाह अकबर, इसके बाद में अकबर देखते हैं, अकबर सेकंड, अकबर सेकंड ने 1806 तक तो इसने किया है। इसके बाद में 1806 से 1837 ईस्वी तक अकबर द्वितीय ने किया है। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि 1837 से लेकर 1862 ईस्वी तक शासन किसने किया है, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया है। इन्हें जब इनको पकड़ करके कहां भेज दिया था, म्यांमार में एक जगह है जिसे कहते हैं रंगून या बर्मा, उसे पहले बर्मा बोला जाता था, तो वहां पर भेज दिया गया था। वहीं पर इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, अर्थात मृत्यु हो गई थी, वहां पर भेज दिया गया था। अब बात आती है कि ये बहादुर शाह या अकबर प्रथम द्वितीय तृतीय है क्या। यदि मान लीजिए, सपोज दैट मानिए, यदि मेरी शादी हुई, शादी के बाद जो बच्चा होगा मेरा क्या होगा, बच्चा होगा। यदि मेरा नाम मान लीजिए कि मेरा नाम क्या है, पप्पू है। क्या नाम है, मेरा नाम पप्पू है। मान लीजिए कि मेरा नाम पप्पू है, पप्पू है। यदि मेरी जब शादी होगी तो शादी के बाद जो बच्चा होगा, यदि मेरी पत्नी को मेरा नाम अच्छा लगेगा, माना कि अच्छा लगेगा, तो जो बच्चा होगा उसका नाम क्या रखेगी, वो पप्पू द्वितीय रखेगी। क्या रखेगी, पप्पू द्वितीय। तो प्रथम क्या हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। इस प्रकार से द्वितीय इसको, तो प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से इनको लगाया जाता है। तो जैसे पप्पू प्रथम ये हो गया, पप्पू द्वितीय ये हो गया, तो इस प्रकार से द्वितीय तृतीय होता था। मुझे आशा है कि ये सभी बात आप लोगों को समझ में आए होंगे।